Happy friendship day. Okay, when I say friendship, what first thing comes to your mind? Life. I think friendship is powerful, having fun. Yeah, for me, friendship actually means life, because I think without friends, life is so boring and so lame, you know. With friends only, you can do all sort of masti and pagal panti. So yeah, you can date karna. Well, tell us something about your friendship, how it starts. How it started? It started on the set. BFF and D3. When we used to shoot together at Cinevista Studio, from the same show, you know. And then when we come to know, we both are Gucci, and we do have sort of common things, like, you know, our nature at times and the gossiping thing that we like with each other. So yeah, that's how we started becoming friends. But later, we realized we were kab hum itne achhe dost ban gaye. Once my show was over and she was still shooting for D3, I remember on my last day of shoot, I cried like hell. And she was the only one. मतलब BFF में से भी कोई नहीं था, D3 में से तो खैर यही मेरी अच्छी दोस्त क्योंकि मेरे सामने ही रो रही थी ना, तो मैं ही कंसोल कर रही थी और कोई ऑप्शन नहीं था, किसी को मेरे पास आने भी नहीं दे रही थी. सब लोग रुक जाओ प्लीज, अभी फाइनल से रुक रहो. और सिंपैथी गेन करती नहीं, बहुत रोई थी बेचारी. हाय मेरी बच्ची, इतना रोई थी कि इसको मतलब ग्लूकोज की कमी हो गई थी. इतना ज्यादा नहीं हुआ था, एक अटैचमेंट होता है जो बस आप जानते हो. उसके बाद ये ज्यादा क्लोज हो गई मुझसे. उसके बाद आज तक हमारी फ्रेंडशिप बस बढ़ती जा रही है. Okay, one good quality about each other and one quality you irritate about each other. I'm sure you love to say this. Good quality about her is that she's very, you know, दिल की बहुत साफ है. किसी के लिए इसको कोई grudges नहीं है. जो भी दिल में होता है वो खुल के बोल देती है. And she's very caring also at times. Sex पे मेरा बहुत ध्यान रखती है. मेरी mom तो रहती थी, but she used to care for me a lot. So I think it's okay. And she's very positive. The positivity on her face, दूसरे आदमी भी खुश हो जाते देख के. मुझे नहीं पता, but and negative चीज कौन सी होगी? मम्मी सेम रहते हैं. होली दे. I don't think so. हाँ, छोटी मोटी चीजें होती हैं जो कभी कभी इरिटेट करती हैं, पर ठीक है, उतना तो अभी चलता है. ओके, एंड रिना, बट यू इतनी तारीफ, अब मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा. और मैं सोचती हूँ, नहीं वो बता, सोचना पड़ रहा है इसको. नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बोला तूने मेरे लिए. अच्छा, मुझे अच्छी बात है, वेरी गुड. नहीं, अच्छी है मतलब आज तक मुझे बोलो. हाँ, the good thing about her is कि मैं इसकी actually बहुत ज़्यादा time हो गई जॉब तो मैं देख रहा हूँ ना, but she always takes it in a very smiley way. और लोग के उसमें वो जो spark होता है उन्हें एकदम बड़े bore हो जाते हैं, तो she takes it in a very sporty manner, so that's very sweet and good about her. Other than that, ये ऐसे थोड़ा मतलब काफ़ी बार ना कुछ ज़्यादा ही बोलती है. मैं बोलने जाऊँ तो भी मेरे को बोलने नहीं देती. तो कब किया मैंने अभी देख, तो ये ऐसा करती है थोड़ा बहुत, तो ये थोड़ा सा इरिटेट करता है, बट इट्स ओके. आई लव हर. आई एक्चुअली लव हर. इट्स जस्ट आई पुल हर लेग सो मच बिकॉज़ आई लव इट सो मच बिकॉज़ शी डजंट से एनीथिंग इन रिटर्न. सो या, एक और चीज मुझे बोलनी है. व्हेन इसका भी भाविन के साथ, व्हेन शी डिक्लेयर्ड दैट शी इज इनटू अ रिलेशनशिप और व्हाटएवर, तो हां, शी डिडंट इन्फॉर्म मी. हां, बुलाया भी नहीं, अपने घर तक नहीं बुलाया मुझे उसने. ये एक सेकंड, मतलब अगर बॉयफ्रेंड है तो मैं कल से ना अभी ब्रॉडकास्ट करूंगी, हेलो वृंदा दाउड इज द बॉयफ्रेंड, कम ऑन एवरीवन, आई एम गेटिंग मैरिड. अरे बट शी शुड एट लीस्ट टेल मी नॉट आई डिड. आई डिड टेल हर. आई डिड. यू हैव मेट हिम, यू आर द ओनली. आई मेट हिम पर उसके पहले तो नहीं. Well, आप दोनों में से who is a late lucky friend? I admit, I am very late at everything. I she is very lazy. आज पता है मुझे. Okay, fine. See, but today I went to workplace. I was sitting and नीचे and she's like, what are you doing downstairs? Come up. No. So I got. दोनों
ओके लगता नहीं हमको देख के पर हम बहुत हु इज मोर ड्रामे बस रेडी सुपर सुपर आई डोंट वांट टू सी ही नॉट अप करती इतने शक्ल बनाएगी इतनी ओवर एक्टिंग करेगी जैसे अभी कर रही है सुपर ड्रामेबाज कितना अच्छा चाहिए मेरे को ऑन स्क्रीन जितना नहीं करने मिलता ना उतना ऑफ स्क्रीन सारा कर देती है जैसे इसको लगता है मैं इसका ऑडिशन ले रही हूं पता नहीं बट कर और इसको अच्छा भी लगता है सो इट्स ओके ना इसके सामने नहीं करूंगी तो कहां करूं नहीं लगता पर लगाना पड़ता है ठीक है कुछ एक दूसरे का हिडन टैलेंट आप व्यूअर्स से शेयर करना चाहोगे हैं ऐसे बता दीजिए शी इज अ वेरी गुड डांसर नहीं डांसर तो पता ही है एवरीबॉडी नोस डांस शो से वो ऑब्वियसली ये गाती बहुत अच्छा है सुपर आप लोग को सुनाई देगा बहुत जल्दी मम्मी गाएगी एक गाना नहीं लोग सोचेंगे कि कुछ अच्छा गाती है इसका हिडन इसका हिडन टैलेंट नो आई जस्ट थिंक दैट शी इज अ वेरी गुड डांसर और तो अभी कुछ मैंने नहीं है सच्ची दोस्त इसको मेरा हिडन टैलेंट ही नहीं पता तो आप ही वॉइस नोट्स बहुत अच्छे छोड़ दिए कौन सा हिडन टैलेंट होता है आई डोंट नो आई जस्ट नो दैट यू आर वेरी छोड़ता कैसे कोई वॉइस नोट को मेरा हिडन टैलेंट मैं खुद बताती हूँ रुको मैं सोच रही हूँ नहीं वो तो नहीं आई थिंक आई एम वेरी मल्टी टास्किंग दैट्स माई हिडन टैलेंट आई यस आई थिंक आई एम दैट बिकॉज आई मेक माई पॉइंट एंड यू नो ट्राइंग माई फुट इन एवरी थिंग इन एवरी जॉनर व्हिच एवर आई लाइक सो आई ट्राई माई बेस्ट एंड पुट माई फुट इन एवरी थिंग हिडन टैलेंट शी मेक्स रियली गुड आइसक्रीम मतलब अगर एक्टिंग नहीं तो इसमें याद आओगे But how was the experience with Hokey Pokey? I mean, ice cream. Oh, Hokey Pokey ke saath experience. I have enjoyed since that I have come. I have made lots of ice creams. मुझे खाने खाके हजम भी करती. I think she makes really yum ice creams और मुझे खाने में बहुत मजा आया. Yeah, and I enjoyed you know making it the whole procedure of making it because अब तक you know सिर्फ खाई थी कभी ऐसे बनाने का chance नहीं मिला तो personally उसको बना के किसी को खिलाना तो बहुत मज़ा आता है ऐसा सब मैं घर पे बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं बहुत आलसी हूँ पर मैं बाहर आके पता नहीं अचानक ही सारे काम करती हूँ मैंने बहुत आइसक्रीम बनाई है पर जाते जाते मैसेज फॉर योर फैंस ऑन एनी डायलॉग बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप डायलॉग एंड शी इज़ गोना कॉपी बट यस ओके आई थिंक फ्रेंडशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ यस सो दोस्त बनाओ मजे करो पार्टी करो और मम्मी पापा से डांट खाओ Thank you so much.